आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जुलाई में 19.1 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थे, जबकि इस साल 19 जुलाई को ये आंकड़ा 21.61 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी एक साल में नोट के सर्कुलेशन में 2.51 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। एक साल की तुलना करें तो ये आंकड़ा बड़ा है, हालांकि पिछले दो महीने में ये कम हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई महीने के आखिर में 21.71 लाख करोड़ रुपए बाजार में सर्कुलेट हो रहे थे। नोटबंदी के समय की अगर वर्तमान से तुलना की जाए तो देश में नोटों का सर्कुलेशन काफी बड़ा है। आरबीआई के अनुसार एटीएम की संख्या कम हुई है, बावजूद इसके कैश निकालने के लिए लेन देन बढ़ा है। सितंबर 2016 में एक एटीएम से रोजाना जहां 121 लेन देन होते थे, तो वहीं अप्रैल 2019 में 130 हो गया। देश में सिर्फ डिजिटल लेन देन ही नहीं बल्कि कैश से होने वाला लेन देन भी काफी बड़ा है। गोवा और केरल जैसे विकसित राज्यों में जहां कैश की मांग कम है, वहीं अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में कैश की मांग बढ़ी है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस और ज्वेलरी सेक्टर में भी कैश की मांग में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।